हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिपिका सोशल साइंस क्लासेस. सो डियर स्टूडेंट, टुडे इन दिस लेक्चर विल डिस्कस अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया. और इसे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको तीनों सेक्टर्स बताए थे. हमने तीनों सेक्टर्स का कंपैरिजन भी किया था और हिस्टोरिकल चेंज देखा था लास्ट वाली वीडियो में कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर जज किया जाए पहले वाले टाइम में और अब वाले टाइम में कितना चेंजेस आया तीनों सेक्टर्स में. तो अब उन क्या क्या चेंजेस आया है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और उसको ग्राफ के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हम इजीली कैलकुलेट कर सकें कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है. तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर कि तीनों सेक्टर्स का जीडीपी में कितना कितना कंट्रीब्यूशन है. अब जीडीपी क्या होता है, वैसे हम ये डिस्कस कर चुके हैं. जीडीपी है द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ऑल द थ्री सेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री. मीन्स तीनों सेक्टर्स में जितने गुड्स बने हैं, फाइनल गुड्स बने हैं, उन फाइनल गुड्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं. वैल्यू को कैलकुलेट अगर अलग अलग तरीके से निकल आया, तीनों की वैल्यूज निकल आई, अब उन तीनों सेक्टर्स की जितनी वैल्यू आई है, उनके गुड्स और सर्विसेज की जितनी वैल्यू आई है, उन सबको हम प्लस करेंगे. ऐड करते ही हमारा क्या आ जाएगा, जीडीपी उस ईयर का. तो देखते हैं इसमें, देखो स्टूडेंट्स, ग्राफ के थ्रू हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में. तो ग्राफ वन शोज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन थ्री सेक्टर्स. यहाँ पर मैंने ईयर मेंशन किया हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन में, और वर्टिकल लाइन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है रुपीज इन करोड़्स. तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम 1973 और 74 में देखें, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको किसका दिख रहा है जीडीपी में, इट्स इजीली विजिबल, प्राइमरी सेक्टर का सबसे पहले नंबर पे है. ठीक है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है, टर्शियरी सेक्टर का. आफ्टर दैट सेकेंडरी सेक्टर. मीन्स अगर जीडीपी में रोल देखा जाए 1973 से 1974 तक, तो आप देखिए प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में रोल सबसे ज़्यादा है फर्स्ट नंबर पे, आफ्टर दैट टर्शियरी सेक्टर, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर है. और 2013 और 2014 में देखा जाए, इन 40 इयर्स में देयर इज़ अ लार्ज चेंज इन द जीडीपी. बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, देखिए कैसे. अब आप देखिए विजिबिलिटी, विजिबल आपको हो रहा है, क्या विजिबल हो रहा है कि अगर हम इस सेक्टर को देखें और इस सेक्टर का कंपैरिजन करें आफ्टर दैट दिस, आप देखिए सबसे ज़्यादा जीडीपी कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज़ टर्शरी. आफ्टर दैट सेकेंड नंबर पे क्या आ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर. एंड थर्ड नंबर पे प्राइमरी सेक्टर. तो 2013 से 2014 वाले ईयर में जो पहले के टाइम में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था अलग अलग सेक्टर्स का, वो 2013 से 2014 में बिल्कुल चेंज हो चुका है. अब जो टर्शरी सेक्टर सेकेंड नंबर पे था वो फर्स्ट नंबर पे आ गया है, वो जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है. आफ्टर दैट सेकेंडरी एंड ऑन द थर्ड नंबर प्राइमरी सेक्टर. और अगर हम ओवरऑल देखें, टोटल जीडीपी इन इंडिया वाज अबव 5 मिलियन करोड़ इन 1973 to 74, बट इन 2013 और 2014 में देखें द जीडीपी इज़ अबव 5,500 करोड़ विद सर्विस सेक्टर डोमिनेंट. कि अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर आप 5,500,000 करोड़ यहाँ पर दिखा रहा है टोटल जीडीपी इन तीनों सेक्टर्स का. इन तीनों सेक्टर में डोमिनेंट कौन कर रहा है, टर्शियरी सेक्टर. अब आप देखिए दूसरे ग्राफ से भी आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. इधर देखिए दूसरे ग्राफ में आपको परसेंटेज में दिया हुआ है. अगर 1973 से 74 की बात करें तो यहाँ पर हमारा प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ 40%. ओके, और उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का देखेंगे तो दैट इज़ ओनली 12%. एंड इन टर्शियरी सेक्टर दैट इज़ 48%. तो आप देखिए कि प्राइमरी सेक्टर जो था उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हमें ज़्यादा दिख रहा है, दैट इज़ 40%. उसके बाद कितना शोर है, 48, और उसके बाद 12.
अब 2013 से 2014 की बात अगर हम करें तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ ओनली 12%, सेकेंडरी सेक्टर का है हमारा 20% और टर्शरी सेक्टर का हमारा 68%। तो आप देखिए 2013 से 2014 में टर्शरी सेक्टर ने जीडीपी में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। टर्शरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर बात की जाए तो थ्री सेक्टर्स में कहीं ना कहीं इंक्रीज़ देखने को मिला है। अगर हम मनी वैल्यू देखें, मनी वैल्यू में तीनों सेक्टर इंक्रीज़ हुए हैं, पर अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाए तो किसका रोल सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है? टर्शरी सेक्टर का रोल सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। अब वो टर्शरी सेक्टर में कितना रोल कैसे इंक्रीज़ हुआ है कितना तो आपको पता चल गया। अब कैसे इंक्रीज़ हुआ है, टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस कैसे कैसे प्रोडक्शन में बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट में भी बढ़ी है, पर एम्प्लॉयमेंट वाला मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगी कि एम्प्लॉयमेंट में कितने लोग काम करते हैं और कितना जीडीपी प्रोड्यूस करते हैं, इस वाले में हम देखेंगे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। अब इस वाले ग्राफ से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टर्शरी सेक्टर इज़ ऑन द नंबर वन पोजिशन। किस बारे में नंबर वन पोजिशन पे? जीडीपी के कॉन्ट्रीब्यूशन में। अब आप देखिए टर्शरी सेक्टर क्यों इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट टर्शरी सेक्टर में हो रही है, किस कारण हो रही है वो हम देखते हैं। राइजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन द प्रोडक्शन और वाई इज़ द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। टर्शरी सेक्टर का रोल क्यों बढ़ रहा है आज के टाइम में इंडिया की बात करें तो बहुत सारी रीज़न है। अब आप सबसे पहले देखिए बेसिक सर्विसेज। इन एनी कंट्री सम सर्विसेज आर रिक्वायर्ड, किसी भी कंट्री की बात ले ली जाए, चाहे वो जापान है, कनाडा है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कोई भी कंट्री है, उसमें कुछ बेसिक सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं। कौन कौन सी हैं वो बेसिक सर्विसेज? जैसे हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस, बैंक्स और विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हो जाएं, पुलिस स्टेशंस हो जाएं, ये कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत हर कंट्री में पड़ती हैं। तो इन बेसिक सर्विसेज को कैसे लोगों तक पहुंचाना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट की। सो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड दीज टू पीपल। गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर सबसे ज़्यादा है क्योंकि अगर स्कूल बनवाने, हॉस्पिटल बनाने, इट्स नॉट एन ईजी टास्क फॉर अ पर्सन कि वो सारे स्कूल्स और सारे हॉस्पिटल्स बनवाएं, नॉर्मल पर्सन के लिए इजी नहीं है। तो ये सारी जिम्मेवारी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। और अगर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सर्विसेज को इंक्रीज़ कर रही है, किस लिए इंक्रीज़ कर रही है? क्योंकि आजकल के लोगों की डिमांड है, वो हॉस्पिटल्स चाहते हैं, पुलिस स्टेशंस चाहते हैं, पोस्ट ऑफिसेस चाहते हैं, ताकि उनकी जो ज़रूरतें हैं वो आसानी से पूरी हो जाएँ, जो उनके काम है वो आसानी से पूरी हो जाएँ। तो ये जो ज़रूरतें हैं, ये जो रिक्वायरमेंट है, ये हर कंट्री में ज़रूरी है। तो इसलिए बेसिक सर्विसेज की कहाँ जहाँ भी ज़रूरत इंक्रीज़ होगी तो मतलब कौन सा सेक्टर इम्प्रूव होगा? टर्शरी सेक्टर वहाँ पर इम्प्रूव होगा क्योंकि सारी की सारी सर्विसेज किस में आती है? टर्शरी सेक्टर में। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स पहले के टाइम से लेकर अब के टाइम में बेसिक चीज़ें हमें उनकी नीड लगती है कि नहीं हमें ये चीज़ भी चाहिए, वो चीज़ भी चाहिए। तो जब नीड होगी तो गवर्नमेंट उसको जनरेट करना शुरू करेगी। और ये सारी सर्विसेज कौन से सेक्टर में आते हैं? टर्शरी सेक्टर में। तो नंबर वन पॉइंट ये हो गया, टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि बेसिक सर्विसेज की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, मीन्स एग्रीकल्चर किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। और इंडस्ट्री किस में आती है? जिसमें सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो आती है सेकेंडरी सेक्टर में। तो जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट होगी तो डिमांड किसकी बढ़ेगी? फिर दोबारा से टर्शरी सेक्टर की, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर ने कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना है, एग्रीकल्चर ने कोई भी चीज़ कहीं पर पहुंचानी है तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी पहुंचाने के लिए? ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। तो उसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन सी सर्विसेज आ जाएंगी? हमारी टर्शरी सेक्टर की। अब सेकेंडरी सेक्टर ने किसी चीज़ को, किसी ज़मीन को खरीदना है तो उसको बैंकिंग भी चाहिए, अपना सामान भेजना है तो उसको इंश्योरेंस भी चाहिए। तो ये भी सारी सर्विसेज किस में आ रही हैं? हमारी टर्शरी सेक्टर में। और ये कौन कौन सी सर्विसेज हैं देखिए आप, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड, स्टोरेज, और भी बड़ी सारी हैं जैसे कम्युनिकेशन हो गया,
कम्युनिकेशन के बाद हमारा इंश्योरेंस हो गया, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स को इनकी नीड पड़ती है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं टर्शरी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। क्योंकि जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज़ होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप्ड होंगे, उनको किसके रिक्वायरमेंट है, उनको टर्शरी सेक्टर की रिक्वायरमेंट है फॉर सर्विसेज के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया। क्योंकि अगर एक फार्मर डज नॉट प्रोड्यूस ग्रेन, ऑल पीपल विल स्टॉप। क्योंकि अगर देखो, अगर प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर नहीं होंगे तो टर्शरी सेक्टर किसी काम का नहीं है। पर अगर टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस देखो, अगर टर्शरी सेक्टर नहीं है तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों का रोल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इंटरडिपेंडेंट भी है। अगला पॉइंट है हमारा मोर इनकम मोर सर्विसेज। स्टूडेंट्स आप ये देखिए, अगर एक पर्सन 10,000 अर्न कर रहा है तो उसके डिमांड्स सर्विसेज के लिए कम हो जाएंगी, पर जैसे जैसे उसकी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड्स बढ़नी शुरू हो जाएगी। 10,000 से एक पर्सन 50,000 में पहुंच गया तो कहीं ना कहीं वो ये देखेगा कि मैं बाहर खाने के लिए जाऊं, ठीक है, टूरिज़्म वाली, या मैं शॉपिंग अच्छी करूं, और उसकी जो खर्चे हैं सर्विसेज हैं वो डिमांड करना शुरू कर, कि पहले वो खुद काम करता था, या लेडी थी खुद काम करती थी, अब वो क्या कर रही है, अब उसको पता है मेरी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं उसको ये लगेगा क्यों ना मैं मेड हायर कर लूँ। ठीक है, मेड अप क्या प्रोवाइड करेगी, सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो जैसे जैसे हमारे इनकम लेवल्स राइज होते हैं, पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मोर सर्विसेज, वो और सर्विसेज की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। बाहर खाना खाने जाते हैं तो भी सर्विसेज की ज़रूरत है उनको, टूरिज़्म में घूमने जा रहे हैं क्योंकि इनकम ज़्यादा है तो अब घूमना भी उनको पसंद, वो करेंगे, उनको अच्छा लगेगा घूमना भी, और उसके बाद शॉपिंग, स्कूल्स। तो जैसे हमारी इनकम कम होती है तो हमारी डिमांड्स कम हो जाती है, पर जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो डिमांड्स इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो थर्ड पॉइंट ये भी आएगा टर्शियरी सेक्टर में कि आजकल लोगों की इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, और जैसे जैसे उनकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो उनको ये लगता है कि हमारे पास सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा हों। ओके, अब है न्यू सर्विसेज। आपने देखा मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है, मॉडर्नाइजेशन के कारण और ग्लोबलाइजेशन के कारण। मॉडर्नाइजेशन मतलब मॉडर्निटी आ चुकी है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। ग्लोबलाइजेशन का मीन्स है अब हमारी जो कंट्री की इकॉनमी है वो दूसरी कंट्री की इकॉनमी के साथ इंट्रेक्शन कर रही है, तो कहीं ना कहीं न्यू सर्विसेज हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। अब न्यू सर्विसेज जनरेट हो रही है, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला हो गया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगी। तो पहले के टाइम में आप देखो मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, आज के टाइम में मॉडर्निटी इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि हर चीज़ हमारी कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़ी हुई है। कोई काम हम कर रहे हैं तो भी इंटरनेट चाहिए। अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो बिना इंटरनेट के, बिना फ़ोन के इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं इसको यूट्यूब पे कैसे अपलोड करूँगी अगर मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हर एक पर्सन के लिए इंटरनेट सर्विसेज की जो नीड है वो कहीं ना कहीं रेज होती नज़र आ रही है। तो जब मॉडर्नाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनकी इम्पॉर्टेंस फील होती है लोगों को, और जब इनकी इम्पॉर्टेंस फील होगी तो वो इन सर्विसेज की डिमांड भी करेंगे। सो ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन न्यू सर्विसेज हैव बिकम इम्पॉर्टेंट, दीज आर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली। क्योंकि पहले के टाइम में लोग सर्विसेज की डिमांड कम करते थे, डॉक्टर्स इतने नहीं होते थे, टीचर्स कम होते थे, आईटी सेक्टर तो बिल्कुल ही नहीं होता था। आईटी सेक्टर अब जैसे जैसे आया, डेवलप इतना ज़्यादा हो गया कि हर पर्सन की नीड बन चुका है। शॉपिंग करना, घूमने के लिए जाना, स्कूल्स हो गया, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, इन सब की नीड अब एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और कंट्री के लिए क्या लोग डिमांड्स करते हैं चीज़ों की, तो इसलिए टर्शियरी सेक्टर जो है वो उतनी ही सर्विसेज जनरेट करता है लोगों की डिमांड के ऊपर। तो जितनी सर्विसेज जनरेट होती जाएंगी टर्शियरी सेक्टर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो स्टूडेंट टर्शियरी सेक्टर इज द सर्विस सेक्टर दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर टू इट्सेल्फ ओवर द 40 ईयर्स की बात की है ना, 73 से लेकर उसके बाद 2013-14 में प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर्स हैज़ इंक्रीज्ड, बट इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्शियरी सेक्टर। आपने देख लिया टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था, और टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज होने के कारण टर्शियरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है
स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टर्शियरी सेक्टर का क्या रोल है, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर्स में सर्विसेज इन प्रोवाइड करते हैं, और टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो लोगों की डिमांड्स के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आपको टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई होगी। अब आपने मेरी वीडियो लेक्चर में मुझे एक आंसर देना है, विच वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन द ईयर 1973 टू 74, एंड विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन द ईयर 2013 टू 2014। 2073 से 74 में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन था, मतलब जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था जीडीपी में, वो आप बताएंगे, और 2013-14 में किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है जीडीपी में। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आप इनके आंसर्स मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।